बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट क्लिप में हम लोगों ने पॉइंट लाइन क्लिपिंग के बारे में पढ़ा और उसके कुछ फंक्शंस हम लोगों ने देखे कि सदरलैंड एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हम किन किन स्टेप्स की मदद से क्या क्या काम करेंगे और कुछ फंक्शंस देखे। उन फंक्शन को यूज़ करते हुए अब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करें। जो हमारी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी GUI जो है वो इस किस्म की एक GUI है हम लोगों ने बनाई है, जिसमें चार टेक्स्ट फील्ड ये अप्लाई हो रही हैं और चार टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। जो ऊपर वाली चार टेक्स्ट फील्ड हैं एक्स और एक्स एम, वाई और वाई एम, तो ये जो है चार टेक्स्ट फील्ड हैं इनकी मदद से हम रेक्टेंगुलर एरिया ड्रा करेंगे अपना। एक्स जो है एक्स मिनिमम है और एक्स एम एक्स मैक्सिमम के लिए यूज़ हो रहा है, इसी तरह वाई वाई मिनिमम के लिए और वाई एम वाई मैक्सिमम के लिए यूज़ हो रहा है। और देन फिर हमारे पास ये जो नीचे चार टेक्स्ट फील्ड हम लोगों ने यूज़ की हुई हैं, ये जो है एक्स वन एक्स टू की वैल्यू, वाई वन और वाई टू की वैल्यू, यानी कि लाइन के दो पॉइंट्स हैं एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू की वैल्यूज़ हम यहाँ पर देंगे, इंटर करेंगे और उनकी मदद से लाइन ड्रा करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर ड्रा का एक बटन यूज़ किया हुआ है जब हम, और साथ में हम लोगों ने ये दो रेडियो बटन यूज़ किए हुए हैं, एक एरिया का और एक लाइन का। जब एरिया का बटन हमारा चेक होगा, सिलेक्टेड होगा, तो ड्रॉग पे क्लिक करेंगे तो हमारे एरिया ड्रा होगा, जो भी एरिया यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे इन ऊपर वाली चार टेक्स्ट फील्ड में। और अगर हम लाइन के अपने बटन को सिलेक्ट करते हैं और फिर ड्रॉग के बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे जो यहाँ पर लाइन के पॉइंट सेलेक्ट हुए होंगे उनकी बेस पर हमारी जो लाइन होगी वो ड्रा होगी यूजिंग लाइन क्लिपिंग इस एरिया के अंदर ही, यूजिंग लाइन क्लिपिंग। अगर हम पॉइंट अभी ये देख आप लोग देख रहे हैं कि हमारे एक्स वन की वैल्यू लेस देन है एक्स की वैल्यू से, मतलब हमारा जो एरिया है वो, ये जो हम लोग लाइन ड्रा कर रहे हैं वो एरिया से बाहर जा रही है, पार्शली आउटसाइड है, तो लेकिन ये एरिया के अंदर ही ड्रा होगी क्योंकि हम इसके ऊपर लाइन क्लिपिंग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार, फिर हम इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले ये देखें, हम ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने दी हुई है और अब हमारा एरिया सेलेक्ट है, सिलेक्टेड रेडियो बटन जो है वो एरिया का है, तो हम ड्रा पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा सिलेक्टेड एरिया ड्रा हो गया है, रेक्टेंगल हमारी ड्रा हो गई है। अब हम जब हम यहाँ पर लाइन पे क्लिक करते हैं और ड्रा पे क्लिक किया तो ये देखें, ये हमारी जो, हालांकि वैल्यू हमारी 40-40 से थी, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू थी और 400-400 पर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, पार्शली आउटसाइड थी, तो हम लोगों ने इसको लाइन को क्लिप किया है और यहाँ पर क्लिप होने के बाद इस एरिया के अंदर जितनी लाइन एग्जिस्ट कर रही थी वो ड्रा हो गया। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज चेंज करते हैं, यहाँ पर 100 करते हैं, यहाँ पर 150 करते हैं, तब हम ड्रा करते हैं तो ये देखें हमारी यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है लेकिन 400 यहाँ पर आउटसाइड द रीजन एग्जिस्ट कर रहा था तो वो ड्रा नहीं हुई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम लोगों ने जो अपने ड्रा के बटन के बैक एंड पे कैसे कोड किया है और जो हमारे रेडियो बटन यूज़ किए हुए हैं वो किस तरह से यूज़ किए हुए हैं। तो अपने कोड की तरफ चलते हैं और कोड को समझते हैं। सबसे पहले ये कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हुई हैं, ठीक है, इनको हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं। और फिर हम लोगों ने जो हमारी GUI ड्रा हुई है उसमें हमारा जे पैनल के नाम से एक जे पैनल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। देन फिर टेक्स्ट फील्ड यूज़ हुई हैं, टेक्स्ट फील्ड जो हमारी 8 टेक्स्ट फील्ड यूज़ हुई हैं वो हैं। फिर हम लोगों ने पॉइंट के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं P1 और P2 के नाम से, अभी यहाँ पर सिर्फ 9 डिक्लेयर किए हुए हैं, यूज़ जहाँ पे करेंगे तब देखेंगे। और फिर हमारे जो लेबल्स यूज़ हुए हुए हैं GUI के अंदर वो हैं। देन फिर हम आते हैं जी मेन पे हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, जो हमारी क्लास है उसके फ्रेम के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसको सिर्फ विजिबिलिटी उसकी ट्रू की हुई है। उसके बाद हम आते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या काम किया हुआ है जी, सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन को एग्जिट ऑन क्लोज प्रॉपर्टी सेलेक्ट की हुई है और हमारा जो फ्रेम है उसका साइज सेट किया हुआ है और उसको टाइटल सेट किया हुआ है लाइन क्लिपिंग और उसका जो लेआउट है उसको नल सेट किया हुआ है। देन हम लोगों ने एक जे पैनल
कंटेंट पेन बनाया हुआ है। कंटेंट पेन जो वो एरिया है जहाँ पर हमारे टेक्स्ट फील्ड वगैरह और बटन्स वगैरह ऐड हैं, ठीक है, वो वाला हमारा पैनल है जिसका नाम है कंटेंट पेन। और इस कंटेंट पेन के हमने सेट बाउंड्स बॉर्डर सेट किए हुए हैं, लाइन बॉर्डर और सेट बाउंड्स किया हुआ है इसको, और देन फिर इसको ऐड कराया हुआ है हमने गेट कंटेंट पेन के अंदर। और इसका भी लेआउट जो है वो हम लोगों ने नल सेट किया है, और इसके अंदर हम लोगों ने ये टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह ऐड की हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड ऐड की हुई है जिसकी वैल्यू 50 हम लोगों ने रखी, ये 8 टेक्स्ट फील्ड हैं और 8 लेबल्स हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया हुआ है जी, हम लोगों ने रेडियो बटन्स यूज़ किए हुए हैं। रेडियो बटन्स जब हम यूज़ करते हैं तो रेडियो बटन्स को हम जितने रेडियो बटन्स को एक ग्रुप में रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम बटन ग्रुप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं बीजी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाया बीजी के नाम से, इज इक्वल टू न्यू बटन ग्रुप। देन फिर हम लोगों ने रेडियो बटन्स ऐड किया, एरिया का रेडियो बटन और लाइन का रेडियो बटन, और इन दोनों बटन्स को ऐड कर दिया हमने बीजी ग्रुप के अंदर। बीजी डॉट ऐड रेडियो, रेडियो बटन का एरिया का रेडियो बटन था, और बीजी डॉट ऐड आर डी रेडियो बटन ऑफ लाइन, ठीक है। तो जब हम इसको इनको ग्रुप में रखते हैं रेडियो बटन्स को, फिर हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ग्रुप में नहीं रखते तो हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, हर एक से अपने हिसाब से बिहेव करता है वो एज ए ग्रुप, रेडियो बटन काम नहीं करता, सिंगल बटन की तरह ही काम करता, ठीक है। देन फिर हमारा ड्रा का बटन है, ड्रा के बटन के बैक एंड पे हम लोगों ने कोडिंग की हुई है, सारी की सारी कोडिंग जो है हमारी ड्रा के बटन के बैक एंड पे है। तो ड्रा के बटन का हमने सबसे पहले तो एक्शन लिसनर कॉल किया, एनोनिमस फंक्शन को कॉल हुआ एक्शन परफॉर्म का, और यहाँ पर ये पहली कंडीशन लगी हुई है कि अगर हमारा जो रेडियो बटन है एरिया का है, रेडियो बटन एरिया सिलेक्टेड है, तो हम क्या काम कर रहे थे कि हमारी रेक्टेंगल ड्रा हो जाती थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी पहली 4 टेक्स्ट फील्ड थी उनसे वैल्यूज़ गेट की, और उनकी बेस पर हम लोगों ने जो हमारा नीचे ड्राइंग पैनल था, पैनल का नाम है उसका नाम पैनल है, तो उसके ग्राफिक्स तो गेट किया, और उसके ऊपर ड्रा रेक्ट का फंक्शन कॉल कर दिया। ड्रा रेक्ट का फंक्शन हम लोग पहले देख चुके हैं, वही फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी किया हुआ है हम लोगों ने नीचे, ड्रा रेक्ट का फंक्शन ये कॉपी किया हुआ है एज इट इज़, तो ये कॉल हुआ और इसकी मदद से हमारे रेक्टेंगुलर एरिया वो ड्रा हो गया। अब देन हमारे पास दूसरा बटन था लाइन का बटन, अगर हमारा लाइन का बटन है सिलेक्टेड है तो फिर हम क्या काम करेंगे, तो फिर हम लोगों ने जो हमारे नीचे वाली जो टेक्स्ट फील्ड थी, 4 टेक्स्ट फील्ड लाइन के लिए X1 X2 और Y1 Y2 के लिए जो हमारी टेक्स्ट फील्ड यूज़ हो रही थी उनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने गेट किए यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू एंड सेकंड टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू। तो XY और X1 Y1 दो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर गेट कर लिए, और फिर इनको P1 और P2 के अंदर एज ए पॉइंट यहाँ पर स्टोर करा दिया है। तो न्यू पॉइंट किया इंटीजर पार्स जो इनकी वैल्यूज थी उनकी मदद से हम लोगों ने ये P1 बना लिया और P2 बना लिया, ठीक है। देन फिर हमारे पास इफ की कंडीशन लगी हुई है, लाइन क्लिपर P1 P2 जो हमारे लाइन क्लिपर का फंक्शन था वो हम लोगों ने कॉल किया है, वो दो पॉइंट लेता था और हमारा एरिया लेता था। ये जो X1 और Y1 जो है ये हमारा एरिया वाली वैल्यूज़ हैं, ऊपर वाली टेक्स्ट फील्ड की वैल्यूज़ हैं, तो वो पास किए हैं, और जो दो पॉइंट्स हैं हमारे लोगों ने पॉइंट जनरेट किए हैं नीचे वाली 4 टेक्स्ट फील्ड से, तो लाइन के दो पॉइंट जनरेट किए हैं वो इसको पास किए हैं, और हमारा जो ग्राफिक्स का पैनल हम लोग ग्राफिक्स गेट किए हैं, हमारा जो ड्राइंग पैनल थे उसके, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू आने के बाद उसकी मदद से हम ड्रा लाइन की मदद से ये वैल्यूज असाइन कर देंगे। अब लाइन क्लिपर के जाते हैं, लाइन क्लिपर हमारा फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये लाइन क्लिपर है हमारे पास। लाइन क्लिपर फंक्शन हम पहले भी देख चुके हैं कि ये क्या काम करता है जी, दो पॉइंट्स लेता है और हमारा एरिया लेता है, एरिया की बेस पे हम लोग उसको चेक करते हैं उस वक्त तक जब तक वो हम उसको प्रॉपरली क्लिप नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये क्या करता है, दो कोड्स हैं हमारे पास, कोड 1 और कोड 2 वेरिएबल बनाए हुए हैं हम लोगों ने, अगर तो हमारा
इनसाइड रीजन, जब इनसाइड रीजन आएगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। सबसे पहले ये क्या करता है, रीजन कोड को कॉल करता है और ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं P1 और P2 की, ये हमें चेक करके बताता है कि इनका कोड क्या बनता है उस एरिया की बेस पे, और फिर हमें चेक करके बताता है कि आउटसाइड द एरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं या इनसाइड द एरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर तो आउटसाइड द एरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये रिटर्न फॉल्स करता है, और अगर इनसाइड एरिया एग्जिस्ट कर रहा है ये दोनों कोड, दोनों पॉइंट्स मतलब के, तो फिर हमें ट्रू रिटर्न करता है। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारे पास वैल्यूज़ वहाँ पर ड्रा लाइन की चली जाएंगी और वहाँ पर लाइन ड्रा हो जाएगी, ठीक है। और ये कोड हमारा जनरेट हो रहा है, कोड वन के ऊपर ये सारी कंडीशंस हम लोग देख चुके हैं, ये सेम इट इज़ एज इट इज़, वही फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया है, और इस तरह से हमारे पास ये जो है सारे के सारे वही फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट किए हैं और उनको कॉल कराया है। तो ये हमारा लाइन क्लिपिंग का फंक्शन था, इसको एक मिनट बाद दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये क्या काम कर रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि ड्रा के बटन के ऊपर रेडियो बटन ग्रुप की फॉर्म में हम लोगों ने इन दोनों को रखा, ग्रुप बटन्स की शक्ल में ऐड कराया है, तो ये एज ए रेडियो बटन बिहेव कर रहे हैं। तो रेडियो बटन जो हमारे हैं, अगर हमारा एरिया का रेडियो बटन सेलेक्ट होता है तो इन वैल्यूज़ की मदद से हमारा रेक्टेंगुलर एरिया ड्रा हो जाता है, ठीक है। ड्रा के बटन पे क्लिक किया तो ये एरिया ड्रा हो गया, और फिर जब हमने लाइन पे क्लिक सेलेक्ट किया तो इनकी वैल्यू की मदद से और इन वैल्यू की मदद से हमारा लाइन क्लिपर कॉल हुआ, और उसकी मदद से हम लोगों ने चेक किया कि कौन से पार्शली इनसाइड है आउटसाइड है, तो उसकी बेस पे हम लाइन क्लिपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और वही एरिया जो लाइन का होगा हमें ड्रा होगा जो इस एरिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हमने इसको कॉल किया तो ये जो था हमारी वैल्यूज़ ये 40 40, हालांकि ये यहाँ से लाइन स्टार्ट होनी चाहिए थी, यहाँ तक आनी चाहिए थी, लेकिन लाइन क्लिपिंग परफॉर्म किया तो हमारे सिलेक्टेड एरिया के अंदर ही जो लाइन एग्जिस्ट कर रही है वही हमें शो हुई है, बाकी लाइन क्लिप हो गई है, ठीक है। ये हमारा था लाइन क्लिपिंग का फंक्शन इस वीक में, जो हम लोगों ने काम किया वो लाइन क्लिपिंग, देखा कैसे हम लाइन्स को क्लिप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।